चूरू के सुजानगढ़ स्थित ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण में बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों सहित स्थानीय लोगों को पक्षियों और वन्य जीवों के बारे में बताया गया। वहीं वन अधिकारियों ने स्कूली बच्चों को पक्षियों की प्रदर्शनी दिखाई और अभ्यारण क्षेत्र का दौरा भी करवाया। वन विभाग की इस पहल से वन्य जीव प्रेमियों को परिंदों के बारे में जानकारी मिलेगी और साथ ही पर्यावरण और वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता भी आएगी। सबसे अच्छी बात तो ये पहले कि यहाँ का ताल छापर का ये पहला बर्ड फेस्टिवल हमने यहाँ पे आयोजन करवाया है और इसमें मुख्य कारण ये है कि देश विदेश से तो यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, पक्षियों के बारे में उनको जानकारी भी है, लेकिन जो स्थानीय यहाँ के ग्रामीण हैं, स्थानीय जो नागरिक है, उन लोगों को पक्षियों के बारे में यहाँ उतना नॉलेज नहीं है कि यहाँ पर किस तरह की प्रजातियाँ कहाँ कहाँ से आती है। इस बर्ड फेस्टिवल के द्वारा हमारा ये प्रयास है कि यहाँ के समस्त लोगों को हम उन 300-350 प्रकार की जातियों के बारे में, पक्षियों की जो देश विदेश से यहाँ पे माइग्रेट करके आती हैं, जो यहाँ के रेजिडेंट हैं, उनसे अवगत कराएं, ताकि पर्यावरण तथा वन्य जीव संरक्षण का जो सबसे मुख्य मुद्दा है, उस मुद्दे पर इन छोटे छोटे नन्हे बच्चों की सहायता से हम इसको पूरे छापर में इसको हम फैला सकें। यहाँ पे अलग अलग एक्सपर्ट है जिन्होंने हमें बर्ड्स और एनिमल्स की अलग अलग प्रजातियों के बारे में बताया। स्कूल में भी हमें बहुत कुछ बताया गया, जैव विविधता के बारे में, संकटापन्न प्रजाति के बारे में, विलुप्त प्रजाति के बारे में, लुप्त प्रजाति के बारे में, और जो रेड डाटा पुस्तक है वो क्या है, उसमें किस स्पीसीज का रिकॉर्ड रहता है, और हमारे पास जो एशिया की सबसे बड़ी पावर है, ब्लैक बग की सबसे बड़ी सेंचुरी हमारे यहाँ पे ताल छापर में है। इसलिए हमने यहाँ पे जो ये हुआ है बर्ड फेस्टिवल, ताल छापर का फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल हुआ है, इसमें हमने बहुत इंजॉय किया।